22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। 6 मई को लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के तहत बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सारण और हाजीपुर के उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में पांचवें चरण के मतदान के बाद कैद हो जाएगा। पांचवें चरण में सारण सीट पर सबकी निगाहें होंगी। सारण सीट की लड़ाई लालू परिवार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जीत हार की लड़ाई से पहले भी यहां उम्मीदवारी को लेकर लालू परिवार में एक लड़ाई चली है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नहीं चाहते थे कि चंद्रिका राय को यहां से टिकट मिले, बावजूद इसके राजद ने चंद्रिका राय को सारण सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। लालू यादव यहां से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। 2014 का लोकसभा चुनाव जब नहीं लड़ पाए तो रावड़ी देवी लड़ी और हार गईं। अब चंद्रिका राय की चुनौती भी यही है कि वे लालू की सीट को राजद के खाते में डालें। इस लड़ाई को लेकर चंद्रिका राय की राय क्या है, जरा सुन लीजिए। खासकर यहाँ के उम्मीदवार जो है और सांसद राजीव प्रताप रूडी, उनके खिलाफ बहुत सेंटिमेंट है। ऐसा है कि कोई एमपी बन जाने के बाद, मंत्री बन जाने के बाद लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि कुछ काम वाम हो लोगों का कोई काम नहीं हुआ है। मंत्री को हटाया गया तो लोगों के मन में आक्रोश भी है, दुख भी है कि आखिर क्या कारण था। या तो नाकाबिल होंगे या भ्रष्ट होंगे या दोनों होंगे, यही ना लोगों के मन में आया। तो इसलिए लोगों में बहुत नाराजगी है उनके प्रति। खिलाफ लहर है। कौन लहर है, उसका नाम क्या? उसका नाम है लालू लहर, आरक्षण बचाओ लहर, बेरोजगारी हटाओ लहर, ये सब लहर है। हालांकि चंद्रिका राय की यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी से है। दूसरी तरफ तेज प्रताप भी उनको हराने के लिए अपना दमखम लगा रहे हैं और लोगों से चंद्रिका राय को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल राजीव प्रताप रूड़ी, जिनसे चंद्रिका राय का मुकाबला है, वो इस मुकाबले को लेकर क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। सवाल यह था कि सारण से आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्रिका राय खा रहे हो, बोल रहे हैं कि सिर्फ ये लोगों से इनकी दूरी हो गई, इसी को लेकर ये इस तरह की का काम कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि तेज प्रताप जो है वो लगातार जो है आज उन्होंने बयान दिया है, यहाँ सिर्फ ककड़ी और खीरा मिल रहा है, तो अगर उनको मेरे खाने पर आपत्ति है तो फिर हम उसमें कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन और पता चला है कि परिवार में बड़ा कलह दिख रहा है और उनके दामाद ही उनको कह रहे हैं कि विरोध कीजिए। लेकिन हम, मेरी आदत नहीं है कि किसी के परिवार पर कोई टिप्पणी करे, वो उनका आंतरिक मामला है। अब परिवारवाद ही टूट रहा है तो बचेगा क्या, उनके यहाँ कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे उन लोग के बारे में कोई बहुत आइडिया नहीं रहा। सांसद महोदय, ये जानना चाहेंगे, लगातार तेज प्रताप ने आज भी फेसबुक और ट्विटर पर लगातार डाला है कि छपरा से चंद्रिका राय मेरे परिवार के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें हराया जाए, उन्हें कोई वोट ना दे, तो क्या लगता है उनके अपील का कितना मतलब है नहीं जानते हैं। लेकिन भारत के राजनीति में फिर से जागीरदारी आ गई है, ये मुझे नहीं पता था। और ये सीट किसी की जागीर है, परिवार की जागीर है, ऐसे सोच वाले भारत के नेता बनना चाहते हैं, प्रदेश के नेता, तो मुझे लगता है कि बड़ी चिंता का विषय है कि खानदानी सीट है, परिवार का सीट है, जिस तरह से राज्य उन्होंने चलाया है ये प्रकट करता है, आश्चर्य है। जहानाबाद में तेज प्रताप ने खुद का कैंडिडेट उतारा है और उसे कहा है कि लालू राबड़ी मोर्चा का कैंडिडेट है। माफ कीजिए, मैं उस परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अब खुलकर वो तेजस्वी के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं और मेरा कोई रुचि नहीं है तेज प्रताप जी में या तेजस्वी में या लालू यादव में। नहीं, एक सवाल, लास्ट सवाल है सांसद महोदय, कि जिस तरीके से चंद्रिका राय ने को लेकर आज तेज प्रताप ने एक बड़ा बयान ये दिया है कि बार बार मेरे नाम को लेकर वो सारण में वोट मांग रहे हैं लोगों से, इसे आप किस रूप में देखते हैं? वो सीधे इनकार कर रहे हैं कि मैं, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं। वो जनता तय कर रही है, और वैसे भी अब चंद्रिका जी कहीं रेस वेस में है नहीं, लालू जी अब छपड़ा के रेस में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब पहले पारिवारिक कलह से सलट ले, फिर जनता के कलह से वो सलट पाएंगे। आप लगातार लोगों के बीच आ रहे हैं, किस तरह का समर्थन लोगों का मिल रहा है और क्या कहेंगे? अद्भुत, और राष्ट्रीयता, देशभक्ति, भारत की सरकार का और देश के प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का आकर्षण, और बिहार के मुख्यमंत्री के प्रति विकास का एक बड़ा आकर्षण। चुनाव में चंद दिन बचा हुआ है, कितने जीत के प्रति आप आश्वस्त अपने आप को मानते हैं और क्या कहेंगे? ये तो जनता तय करती है। चंद्रिका राय के लिए यह लड़ाई भले ही आसान न हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद्रिका राय के साथ उनका पूरा परिवार खड़ा है। पत्नी और बेटी उनके लिए वोट मांग रही हैं, प्रचार कर रही हैं। जाहिर है पत्नी और बेटी का यह सहयोग इस लड़ाई में चंद्रिका राय को हौसला देता होगा।
संविधान थोड़ा सा बात करना चाहिए संविधान जिंदाबाद संविधान बचाना है हमें सबसे पहली बात है और हमें बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है और सबसे पहली बात मैं एक और बात बता देना चाहती हूँ बहुत लोग समझ रहे हैं चंद्रिका राय बाहरी हैं चंद्रिका राय का जन्म छपरा के सारण जिला के सारण के कसीना गांव में हुआ है जो इनका किनानी गांव है वहाँ पर 7 जून को उनका जन्म हुआ था तो वो उनसे ज्यादा जो जिसका जन्म भूमि कर्म भूमि एक हो उससे ज्यादा अपना कौन है आपका ये मैं जान बता तो चुनाव भी इसी इलाके से जीतते रहे चुनाव तो करे वो तो है ही लेकिन जन्म भी उनका ही सारण जिला की भूमि पर हुआ है इसलिए हम लोग पूरा जी जान लगाए हुए हैं पत्नी धर्म का निर्वाह कर रहे हैं मेरे बच्चे भी लगे हुए हैं मेरा पुत्र भी लगा हुआ है सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से घूम रहे हैं अपना काम और जनता तो मेरी पूरी जनता का उत्साह है जनता में इतना उत्साह है बूढ़े बच्चे जवान सब लोग आशीर्वाद मेरे परम पूजनीय दारोगा प्रसाद राय जी को भी याद कर रहे हैं लोगों का इतना आशीर्वाद उनका काम किया हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि अब कि तू जितबे करबू ठीक है जितबे कर मतलब इतना अच्छा मिल रहा है कि आप खुद देख सकते हैं लोगों का भीड़ तो आप खुद ही उनसे ही पूछ लीजिए हमसे पूछने की जरूरत नहीं आप उनसे घर घर जा रही हैं क्या कह रही हैं ये हमारा ही घर है बजैया क्षेत्र हमारा है हम बचपन में यहाँ पे आके खेले हैं सबके साथ खेले हैं हम लोग भी भैंस पे चढ़ के बैठ के घूमे हैं बहुत अच्छा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस बार आपके पापा जीतेंगे आप टेंशन मत लीजिए ये हमारा घर है सोचिए मत। कहते हैं लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और चुनावी गणित को समझने के लिए इन मालिकों की राय बहुत जरूरी है यानी कि जनता की राय बहुत जरूरी है तो सारण सीट को लेकर लोगों की राय क्या है जरा सुन लीजिए मोदी जी को चंद्रिका राय आप मोदी जी को जिताना चाहते हैं जी 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 हाँ अरे मैडम कह रही है चंद्रिका राय अपना अपना ना है एक घर में दो वोट हाँ, तो हो जाएगा और चंद्रिका राय हमारा क्षेत्र हो पोजी पर सके हमारे पड़ोसी जरूर उनकरा के वोट दे हम उनकरा के दे और ई दे पटना ई के करा के दे देते नहीं चलिए क्या बात है पति पत्नी का प्रेम देखिए पति देगा बीजेपी को पत्नी देगी चंद्रिका राय को यही है जनतंत्र लोकतंत्र का कौन जीतेगा इस इलाके से बोलो इस इलाके से देखिए किसको चाहते हो जिताना ऐसे तो लंदन साहब जीतेगा आप बताओ बीजेपी हाँ तो एक मोटरसाइकिल पर दो दोस्त हुए वो ललटेने को बीजेपी कर रहा है जी एक ललटेने को बीजेपी अब एक मोटरसाइकिल पर तीन भी रहेगा तो तीनों भी अलग अलग बोल सकते हैं बीजेपी का सपोर्टर हम शुरू से ही है कौन जीतेगा जिताना चाहते हैं किसको क्या कहा जाए माने लालू जी के पार्टी को या बीजेपी को बीजेपी के जिताया जाएगा हाँ चलिए हाँ बताइए चाची किसको चाहती हैं जिताना कमल छाप आप बताइए बाबा कौन छाप जिताना चाहते हैं जी किसको जिताना चाहते हैं मोदी या लालू की पार्टी हम लालू को जिताते हैं हाँ बहरहाल सारण की सीट सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं बल्कि चंद्रिका राय के लिए उनकी साख का सवाल है क्योंकि राजद ने तेज प्रताप यादव के विरोध को दरकिनार कर उन पर भरोसा किया है जाहिर है यह सीट उनके लिए बेहद अहम है और अहम सवाल भी है कि आखिर कौन होगा सारण का सरताज NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को NSIT a place to imagine invent and inspire NSIT अम्हारा बिहटा पटना